मॉर्निंग एवरीवन, ऑल क्लियर? ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे गाइस हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन के ऊपर, और प्रोनाउन में हमने मैक्सिमम सारे टॉपिक्स जो है, सारे सारे जो भी आपके टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आपके पर्सनल प्रोनाउन से लेकर एम्फेसाइज प्रोनाउन हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो है एक अलग क्लास में करेंगे, पूरे प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, और वो आप लोगों को या तो क्लास में डिस्कस करेंगे या तो आप लोगों को जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो इन दोनों को क्वालिफाई करने वाला एक प्रोनाउन हो, एक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टाइप क्या रहेगा, यानी कि किस टाइप के जो है चीजें या किस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो वो रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक होता है जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, आपके लेक्चर्स जो आप लोगों को मिलते हैं उसमें आप लोगों की पिछली क्लासेस भी ऑलरेडी हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स को पढ़ाई गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो अगर आपको जो है वो दोनों साइड से जो है फायदा लेना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को लाइव तो बताया ही जाता है, वो सारी चीजें भी आपने यहाँ पे देखनी है। एडजेक्टिव में सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, तो हमने जो एक बचपन से डेफिनेशन पढ़ी होती है कि जो क्वालिफाई करता है हमारे नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यही चीज पढ़ी होती है ना, या फिर हमने पढ़ा होता है कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे करके पढ़ी होती है। लेकिन प्लेस की जगह पर हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, हम क्वालिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के। आप देखोगे यहाँ पर कई, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि और नहीं होगा, यहाँ पर हम एंड यूज करते। ठीक है, तो और एंड का यूज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ना, एक कोई टॉपिक करते हो आप, जैसे आपने यहाँ पर एडजेक्टिव टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो एडजेक्टिव के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि और कौन कौन से चीजें हैं जिनका हम साथ साथ में यूज कर रहे हैं, तभी तो आपकी जो ग्रामर पोर्शन हम कर रहे हैं वो आपका इम्प्रूव होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने कहा कि और लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ये और है ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है, ये है क्या, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ये याद रखना है आपने, और हमारी क्या होती है, कंजंक्शन, जो जोड़ने के लिए यूज की जाती है। और दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर च्वाइस होती है कि ये या तो नाउन को क्वालिफाई करेगी या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, वन टाइम में वन चीज को क्वालिफाई करती है। ठीक है, इसीलिए जब हम च्वाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर और कंजंक्शन हमारी च्वाइस के लिए यूज की जाती है। जैसे आपने सुना होगा, वुड यू लाइक टी और कॉफी, कि आप क्या पसंद पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी, दोनों चीजों में से कोई एक, चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, दो चीजों की क्वालिफाई जो हम बात करते हैं तो वो होती है कंजंक्शन और। ठीक है, इतना सा हमें और के बारे में पढ़ना था। देखो एक कंजंक्शन का रूल हमने यही पढ़ लिया। ठीक, अब एडजेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। मैंने कहा कि क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसे क्वालिफाइंग नाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वालिफाइंग नाउन भी हम इसे बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्या हो गया, और क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग नाउन ना लिखे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड्स जो है, जो वर्ड, जो भी वर्ड है आपके पास, नाउन है प्रोनाउन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि नाउन, ये दो दो डेफिनेशन बनी हमारे पास, एक यहां तक बनी, एक ये दो शब्दों की हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई। हम इसको क्यों यहाँ पे कह रहे हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, कोई भी वर्ड है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है।
क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता बताना कि वो उसकी क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है उसकी, ठीक है, तो वो होता है क्वालिफाइंग का। जैसे मैं एक हिंदी में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम बोलते हैं वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, तो सुंदर लड़की, अब इसी को मैं कहती हूँ शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है आप बता सकते हो? मैंने एग्जाम्पल कहा शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो क्या आप यहां पर मुझे एडजेक्टिव बता सकते हो? हमने क्या कहा, ब्यूटिफुल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल में हमने देखा। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज अ चार्मिंग सीनरी, ठीक है, इट इज अ चार्मिंग सीनरी, ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्मिंग है, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही है आपका। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, वी आइडेंटिफाई नाउन और प्रोनाउन, ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड एन एग्जाम्पल शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है हमारे पास यहाँ पर नाउन है, सीनरी क्या है यहाँ पर नाउन है, ठीक है, तो इनको कौन क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, सीनरी कैसी है, चार्मिंग है ना, समझ आ रही है बात, इस नाउन की विशेषता को बता रहा है ये, यानी कि इसे क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल एंड चार्मिंग सीनरी। दूसरा मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन में बताया था क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो भी वर्ड क्वालिफाई करते हैं यानी कि विशेषता को बताते हैं, ठीक है, तो विशेषता को ब्यूटीफुल भी बता रहा है और चार्मिंग भी बता रहा है किसी चीज की। देखो वर्ड्स में बात हो रही है तो नाउन तो कोई भी हो सकता है, नाउन मतलब अनेमिंग वर्ड हमने पढ़ा था, किसी भी चीज का जो नाम है उसे हम क्या कर कह देते थे, नाउन कह देते थे, उसको क्वालिफाई कर रही है आपकी ये दो चीजें, ठीक है। मैं कहती हूँ शी इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पर शी इज अ टॉल गर्ल में क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, टॉल हो जाएगा, बातें समझ में आ गई, एडजेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो गया सबको कि हम क्यों इसे जो है वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, बता लेंगे फटाफट से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हमें जो है यहां पर दो चीजें डिस्कस करनी होती हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है हमारा प्रेडिकेटिव, दो यूजेस हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और हमारा प्रेडिकेटिव, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो तरीके से हम इसका यूज देखते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, ठीक है। जो एट्रीब्यूटिव होता है इसमें क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे यूज को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे जितने भी आपके पास एग्जाम्पल जो है, ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवाए ये सभी, जैसे ही हैज अ रेड पेन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज अ रेड पेन, जब हमारे पास पेन क्या है, कॉमन नाउन है, और रेड क्या है, कलर है यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, एट्रीब्यूटिव यूज में क्या हो जाता है कि एडजेक्टिव हमारा जो है वो नाउन से पहले यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। प्रेडिकेटिव की बात करें तो जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले ना हो, या फिर अर्थात हम बात करते हैं कि सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन की जो उसको क्वालिफाई करने के लिए बताया गया होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे यूज को प्रेडिकेटिव कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ महे, या फिर आपके पास है महेश बाबू इज इंटेलिजेंट,
सिंपल से बात करते हैं, महेश बाबू इज इंटेलिजेंट। अब देखो हमने क्या बोला, दो केस कर पड़े हमने, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस। पहले हमने बोला जैसे ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जितनी भी हमने चीजें की कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसके साथ वाली जो चीज है, ये होता है एट्रीब्यूटिव कि जब हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगा हुआ हो, तुरंत पहले। बेसिक चीजें यही होती है हमारे पास एडजेक्टिव में, लेकिन इसके दो यूज बनते हैं। एट्रीब्यूटिव केस में हम यूज करते हैं इसको, प्रेडिकेटिव की तरह यूज करते हैं। प्रेडिकेटिव क्या कहता है कि यहाँ पर क्वालिफाई तो ये करेगा, लेकिन नाउन जो है नाउन से पहले आपके पास एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे महेश बाबू है ना, ये क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इनको कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंस। क्या होगा, इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और महेश बाबू क्या है यहाँ पर, नाउन है। इसको क्वालिफाई कर रहा है ये कि महेश बाबू क्या है हमारे, इंटेलिजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है, नाउन से पहले हम नहीं यूज करते हैं आपके एडजेक्टिव को। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से, फटाफट से हैशटैग सेंड कर देंगे सभी कि अगर समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ पर हमारा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपका नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर स्टार्टिंग में हो जाता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हम किसी और पोजिशन में देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका नाउन है और प्रोनाउन है उसको हम एज अ सब्जेक्ट के केस में ले आते हैं प्रेडिकेटिव यूज में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये अच्छे से देख लेनी होती है। कई बार अगर मैंने आपको यही चीज बताई होती तो हर बार आप क्या करते, नाउन से पहले एडजेक्टिव को ढूंढते। लेकिन ये भी चीज सेम है, ये भी आपका नाउन है जो इंटेलिजेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी पता होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले है एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो एडजेक्टिव के होते हैं। अब जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में तो हमारे पास इसे विशेषण कहते हैं, तो उसमें तो हमारे पास तीन से चार जो है वो भेद होते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में हर एक चीज को डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो देखिए मैं एक जगह पर आपको सारे नाम नहीं करवाऊंगी, एक साथ जो है हम चीजों को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते चलेंगे, एक एक पार्ट देखते चलेंगे, एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट वन है आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आपने पूरा लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब यहां पर जो क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी भी इंसान की क्वालिटी को एक्सप्रेस करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं दे रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, दे रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन है उनकी क्वालिटी को रेफर करता है आपका एडजेक्टिव, कौन सा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी के अंदर यहाँ पे ये चीज देखनी है, हमने क्वालिटी के बारे में बताया तो क्वालिटी में आपके जो है वो सारी चीजें आती है, इसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो अब आपने सोच लेना है कि वहां पर हम कौन कौन सी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जितने आपके कलर होंगे वो भी आपकी क्वालिटी को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब देखो क्वालिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे लेंगे, जैसे गुड है, बैड है, रेड है, ब्लैक है, टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा गुड है, बैड है, टॉल है,
शॉर्ट है। अपने अपने माइक्स को म्यूट करेंगे, सबसे पहले चेक करिए सभी, और जो भी आपके कलर है जैसे रेड है, ब्लैक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, क्वालिटी को शो कर रहा है। अब देखिए, गुड बैड के अलावा ब्यूटीफुल, शॉर्ट, अगली, लॉन्ग, सब चीजें आएंगी। लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, लॉन्ग हो गया, अगली हो गया, शॉर्ट लिखवा दिया था, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। जो आपकी किस चीज को कर रही है, क्वालिटी को, कि आपके गुण को बता रही है, आपके गुण हैं, आपके दोष हैं, आपका रंग है, आपका आकार है, इन सभी चीजों के बारे में क्या कर रहा है, आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो बताता है। जैसे इसी के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल देखा था, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो वो क्या है, उसके गुण को बता रहा है कि वो कैसी है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो क्या है, ब्यूटिफुल है। बात समझ में आ रही है, ये चीज पता चल गई। मैं कहती हूं राधा इज अ टॉल गर्ल, मैंने कहा राधा इज अ टॉल गर्ल या शॉर्ट गर्ल, जो भी कह दो, तो वो क्या बन गया आपके पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या मैंने कहा मीनू इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, मीनू इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। बात समझ में आ रही है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर हम कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं, राधा इज अ टॉल गर्ल, मीनू इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये हमने लिखा। या मैं कहती हूँ आई राइट विद एन ओल्ड पेन, आई राइट विद एन ओल्ड पेन, मैं जो है वो बहुत पुराने पेन से लिख रही हूँ, तो ओल्ड हो गया। ये भी देखो ना, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा है, ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं लिखवाया, आपने लिखना हो तो आप लिखते चले, लेकिन ये भी इसके क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है कि कैसा है, पुराना पेन है, ठीक है। तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आते हैं, यानी कि उसके गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है, उसके आकार को बताएगा, उसके रंग को बताएगा, तो वो क्या होता है, उसकी स्थिति को बताएगा, तो वो आपकी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक और, ही इज अ फुलिश मैन, क्या कहा, ही इज अ फुलिश मैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो मैन है वो कैसा है, उसके गुण दोष को बताया जा रहा है कि वो क्या है, फुलिश है, ठीक है। तो देखिए, हर जगह पर नाउन है, 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 यहाँ एडजेक्टिव है, सेम एडजेक्टिव है, सेम एडजेक्टिव है, सेम एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सा केस है आपका, कौन सा यूज है। हमने टू टाइप्स ऑफ यूजेस पढ़े एडजेक्टिव के, एट्रीब्यूटिव यूज पढ़ा, प्रेडिकेटिव यूज पढ़ा, तो ये कौन सा यूज हमने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर डिस्कस किया है, बताएंगे, शाबाश। एट्रीब्यूटिव है, वेरी गुड दीपिका, इट्स एट्रीब्यूटिव यूज, ओके, या चलिए देन आगे मूव करते हैं। ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सभी को अच्छे से पता चल गया। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और क्या बोल सकते हैं इसे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन सा होगा, ये किस चीज के बारे में बताएगा, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, लिख सकते हैं आप अगेन, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को रेफर करेगा। अब देखिए, हमने इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टू नेम्स दिए, सेम जैसे पहले दिए थे। अब देखो, आपने पढ़ा होगा हिंदी में इसको क्या नाम बोल सकते हैं, जो क्वांटिटी के बारे में यानी कि मात्रा के बारे में बताता है, बताइए जरा,
जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है वो मुझे बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए। वेरी गुड, बताइए, शाबाश। क्या कहते हैं उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। याद रखा कीजिए, उसमें हम क्या करते थे, क्वांटिटी को। वेरी गुड सुमन, इसमें हम क्वांटिटी को डिस्कस करते थे, मात्रा को डिस्कस करते थे, कि हम बोलते थे ना वो बहुत खाता है, कितना खाता है, बहुत खाता है, यानी कि परिमाणवाचक को शो करता है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखते हैं, देखिए, सम है, एनी है, नो है, लिटिल है, मच है, लिख लेंगे इन सभी को। सम है, एनी है, मच है, लिटिल है, फ्यू है, नो है, एनफ है ना? देख रहे हैं आप सभी, मच हो गया, ऑल होल सफिशिएंट नन, ऑल होल सफिशिएंट नन, ये सभी क्या है आपके पास, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये तो सिर्फ मैंने थोड़े से लिखवाया आपको कि आपको पता हो कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो बहुत से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, यहां पर जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। अब आज के लिए हम इसी को करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास है यहाँ पर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या फिर अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ। ठीक है, इसके अलावा अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे इसको मत लिखिएगा, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप अ लार्ज मैनी ऑफ, करिएगा अ लार्ज मैनी ऑफ, यही चीज लिखवाई थी मैंने आप लोगों को पहले। अ लार्ज मैनी ऑफ करिएगा यहाँ पे, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, सॉरी सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लॉट ऑफ। ठीक है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पार्ट ऑफ। ठीक है, प्लेंटी ऑफ हो गया, पार्ट ऑफ हो गया, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ये सभी किसमें आएंगे, आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये सभी चीजें आपकी क्वांटिटी को शो करती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं कहती हूं मुकेश हैज एनफ मनी, मैंने कहा मुकेश हैज एनफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं, एनफ मनी है, काफी पैसा है। ठीक है, तो मनी तो आपका नाउन हो गया, एनफ आपका एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज अगेन हुआ यहाँ पे, लेकिन एनफ है तो एनफ भी मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ये रहा। मैं कहती हूँ मुकेश हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, मात्रा को शो कर रहा है कि नहीं है उसके पास पैसे, तो वो भी क्या होगा, यही हो जाएगा। मैंने कहा मुकेश हैज लिटिल मनी, मुकेश के पास ना के बराबर पैसे हैं, मात्रा को बता रहा है अगेन उसके पास नहीं है, लिटिल का यूज हो गया। मैंने कहा मुकेश हैज फ्यू मनी, मुकेश के पास कुछ अमाउंट में पैसे हैं, फ्यू ना के बराबर ही आता है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, जहां पे हम क्वांटिटी को शो कर सकते हैं, रुपीज लिखती हूँ यहाँ पे मैं, कि मुकेश हैज फ्यू रुपीज, कि उसके पास कुछ ना के बराबर जो है वो रुपीज है।
लिटिल और फ्यू सेम यूज होता है इन दोनों का, ये एडजेक्टिव है। आगे हम इनके डिस्कस करेंगे कि फ्यू कहाँ पर यूज होता है और लिटिल कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, WEALTH वेल्थ। ठीक है, जो उसने जो है अपनी सारा पैसा जो है वो सारा धन संपत्ति जो है वो खो दी, लॉस्ट हो गई। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा लॉस्ट ऑल हिज, ऑल लिखा है यहाँ, ऑल के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑल भी आपके पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को ही शो करता है। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी बता देंगे कि हमने जो टू यूजेस एडजेक्टिव के पढ़े वो आप सभी को पता लगा, क्लियर हुए कि नहीं वो बता दो फटाफट से। मुकेश नाउन, हाँ जी, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश भी आपकी नाउन है और मनी भी आपका नाउन है। ठीक है, वो अलग बात है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए क्लियर हो गया सभी को। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और आपके आगे वाले टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू गाइस।